हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्नोवेज एजुकेशन। सी लैंग्वेज की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में आज का टॉपिक है हमारा गाइस कि हम लोग पॉइंटर के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मेरा आपको सजेशन है कि ये वीडियो देखने से पहले आप मेरे जो पॉइंटर के प्रीवियस दो वीडियोज़ मैंने बनाए वो भी देखिए और आगे की वीडियोज़ भी आप देखिए जो मैं पॉइंटर पर बनाने वाला हूँ। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हम लोग जो हमारा पॉइंटर है उसके साथ कौन कौन से ऑपरेशन हैं वो हम लोग परफॉर्म करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स लिए हुए हैं, i1 और i2, और वहीं पर नीचे i1 और i2 लिया हुआ है, और नीचे मैंने दो पॉइंटर लिए हुए हैं, पॉइंटर p1 और पॉइंटर p2। ये मेरे पास टोटल चार वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर गाइज एड्रेस ऑफ जो i1 है, एड्रेस ऑफ i1 दे दिया गया p1 को, और एड्रेस ऑफ i2 दे दिया गया p2 को। तो चलिए हम देखते हैं कि हम लोग क्या क्या जो जो ऑपरेशंस है वो हम परफॉर्म करवा सकते हैं पॉइंटर के साथ। अगर हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस की बात करते हैं गाइज, अर्थमेटिक ऑपरेशंस की अगर बात करते हैं तो हम लोग दो पॉइंटर्स को आपस में ऐड नहीं कर सकते हैं। हम दो पॉइंटर्स को आपस में बिल्कुल भी ऐड नहीं कर सकते हैं। दो पॉइंटर को ऐड करने का मतलब ये है कि हम लोग दो एड्रेसेस को होल्ड कर रहे हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। आप दो एड्रेसेस को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है गाइज, नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट में हम लोग कर रहे हैं कि p1 plus 1। नॉर्मली इस तरह के जो हम लोग इम्प्लीमेंट्स करते हैं गाइस, एडिशन हम लोग करते हैं किसी भी एड्रेस के साथ, वो एड्रेस हम लोग करते हैं एरे की कंडीशन के अंदर। अगर हम लोग किसी एरे में अगर हमको चलते हैं, एरे का मतलब आई होप थोड़ा सा आपको पता हो, अगर नहीं पता तो मेरे वीडियोस आप एरे की वीडियोस देख सकते हो। एरे की वीडियो के अंदर अगर मान लो कि मैं यहाँ पर मान लो कि मेरे पास ये एरे है 5 एलिमेंट्स का, या जितने भी एलिमेंट्स मेरे इस बॉक्स के अंदर बनते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, यानी कि 10 एलिमेंट्स मैंने इस एरे के अंदर बनाए हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि मान लो कि जो मेरा ये एरे है, मैंने यहाँ पर लिखा int arr और इसको मैंने 10 डिफाइन किया। ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक पॉइंटर लिया int पॉइंटर p के नाम से, और मैं जो मेरा ये जो p है, ठीक है, जो मेरा p है, इस p को मैं arr असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, इस p को मैं arr असाइन कर रहा हूँ। तो arr असाइन करने का मतलब, यहाँ पर अगर हम एरे के साथ काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पर मुझे ये लगाने की ज़रूरत नहीं होती, मैंडेटरी नहीं होता है ampersand सिंबल। यहाँ पर आप ऐसे भी काम चलाते हो तो उसका मतलब ये है कि जो मेरा p है उस p के पास जो एड्रेस है, वो एड्रेस है इसके पास जो मेरा 0 नंबर का जो बॉक्स है, यानी कि जो ये वाला जो बॉक्स है, इस बॉक्स का एड्रेस इसके पास है, पी के पास मेरा एड्रेस है 0th लोकेशन का। इंडेक्स पोजीशन ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये लास्ट में 9th है। बीच वालों को भी उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगी, जैसे ये हो गया 4, ठीक है, ये हो गया 5, ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा ये। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू मान लो 7 पड़ी हुई है, इसके अंदर 18 पड़ी हुई है, ठीक है, इसके अंदर 9 पड़ी हुई है, कंटिन्यू इसके अंदर वैल्यूज पड़ी हुई है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ पी की, तो अब जो मेरा पी है, जो ए आर आर अगर मैंने लिखा, तो उसके पास एड्रेस किसका पड़ा हुआ है, इसके पास एड्रेस पड़ा हुआ है 0th लोकेशन का, यानी कि इस वाली लोकेशन का। तो हम इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो मेरा पी है उसके पास एड्रेस पड़ा हुआ है, उसके पास एड्रेस पड़ा हुआ है ए आर आर के 0th लोकेशन का, ए आर आर के 0th लोकेशन का एड्रेस पड़ा हुआ है। तो अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पी प्लस प्लस, या फिर मैं लिखता हूँ कि पी इक्वल्स टू पी प्लस वन, ये दोनों ही अलाउड हैं। अलाउड क्यों है, क्योंकि पी प्लस वन का मतलब ये, या पी प्लस प्लस का मतलब ये है कि अब मैं मूव कर रहा हूँ इस लोकेशन से इस लोकेशन के ऊपर, इस लोकेशन से लेकर इस लोकेशन के ऊपर। कैसे कर रहा हूँ ये भी दिखाता हूँ कि मान लो कि इस लोकेशन का एड्रेस है 500। ठीक है, यानी कि 500 इसका लोकेशन है, इसका एड्रेस है। ये तो क्या थे, इंडेक्स पोजीशन थी, है ना, लेकिन जो पी है ये इंडेक्स पोजीशन नहीं रखता, ये क्या रखता है, एड्रेस रखता है। तो इसके पास जो एड्रेस है वो क्या है, 500 एड्रेस पड़ा हुआ है। तो अगर मैं पी प्लस प्लस वर्क करूंगा तो ये जो अगला है, अगले का एड्रेस ऑब्वियसली बात है 501 ही होगा। ठीक है, और 501 नहीं होगा, कहीं इसका 503 होगा।
ठीक है, 503 होगा। 503 क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है हमारा, और इंटीजर जो लेता है वो 2 बाइट स्पेस कंज्यूम करता है, और 2 बाइट का मतलब ये होता है कि आपका जो स्पेस होता है, एक स्पेस 1 बाइट का होता है। तो 500 और जो 501 वाला जो स्लॉट है, 500 और 501 वाला जो स्लॉट है वो असाइन किया गया 0 इंडेक्स पोजिशन को। फिर 503 और 504 वाला जो असाइन किया गया है, 502 सॉरी 502 और 503 वाला असाइन किया गया है, वो असाइन किया गया फर्स्ट इंडेक्स पोजिशन को। तो जब भी मैं प्लस वन करूँगा, प्लस वन करने का मतलब ये है कि अब ये डायरेक्टली क्या ले रहा है, 502। अब इसने जो एड्रेस लिया है वो 502 वाला लिया है, यानी कि वो खुद वाले 501 को छोड़ देगा, 501 को छोड़कर वो अगले पे चले जाएगा। ठीक है, ये सब कैसे मैनेज कर रहा है, वो यहाँ पर मैनेज कर रहा है पॉइंटर अपने हिसाब से, क्योंकि पॉइंटर हमारा इंटीजर टाइप का, तो इंटीजर के साइज 2 बाइट है ये जानता है, इसलिए ये 2 स्किप करेगा सीधा सीधा। प्लस वन लिखने का मतलब ये 2 स्किप करेगा, यानी एक जो एड्रेस जाएगा वो यहाँ से इससे 500 से 502 पर ये चले जाएगा। फिर अगर मैं यहाँ पर नीचे P इक्वल्स टू P प्लस वन लिख देता हूँ फिर से, तो अब ये क्या करेगा कि यहाँ से पहुंच जाएगा सीधा 504 के ऊपर। ठीक है, फिर ये पहुंच जाएगा 506 के ऊपर, फिर ये पहुंच जाएगा 508 के ऊपर, अगर प्लस प्लस में करता चलूंगा तो। आप प्लस प्लस माइनस माइनस जो है वो आपके लिए ऑपरेशन यहाँ पर अलाउड है, आप ये भी कर सकते हो, आप प्लस प्लस P1 भी लिख सकते हो, P1 प्लस प्लस भी लिख सकते हो। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पर P2 माइनस P1 लिखना है, P2 माइनस P1, अभी आप देखिए यहाँ पर P2 इज ए पॉइंटर और P1 इज ए पॉइंटर, दो पॉइंटर्स को आपस में मैं माइनस कर रहा हूँ, दो पॉइंटर्स को आपस में, दो पॉइंटर्स को आप जोड़ नहीं सकते, लेकिन दो पॉइंटर्स को आप माइनस कर सकते हो। कैसे माइनस कर सकते हो? आप यहाँ पर माइनस कर सकते हो कि अगर मान लो कि मुझे इस वाली कंडीशन पे, ये जो मेरी कंडीशन है, इस वाली कंडीशन पे जो भी मेरा पॉइंटर का जो एड्रेस है, जो भी मेरा पॉइंटर का एड्रेस है वो मैं लेने के बाद, जैसे कि ये मेरा P2 है ना, ये मेरा P2 है, ठीक है, और ये जो मेरा 500 है, मान लो ये मैंने किसी P1 नाम के पॉइंटर को डलवा रखा है और ये मैंने P2 नाम के वेरिएबल को डलवा रखा है, तो अगर मैं इनको माइनस करूंगा P2 माइनस P1, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास हैं, ये मुझे पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? क्योंकि जितना एड्रेस माइनस होगा उस हिसाब से मैं निकाल सकता हूँ कि भाई कितना मेरे पास है, एक 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 बॉक्स है, दो बॉक्स है, तीन बॉक्स है, कितने एलिमेंट्स है, इसका मुझे पता चल जाएगा। तो आप माइनस जो है ये आप कर सकते हो। ठीक है, आप P2 माइनस 1 भी कर सकते हो, माइनस माइनस P2 भी कर सकते हो, यानी कि प्री डिक्रीमेंट भी कर सकते हो, पोस्ट डिक्रीमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, ये भी कर सकते हो, प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब कि अगर आपको इस लोकेशन से बैक जाना है तो आप जा सकते हो, इस लोकेशन से बैक जाना है तो आप जा सकते हो। ठीक है, जैसे हम प्लस प्लस कर रहे थे वैसे हम माइनस माइनस भी कर सकते हैं। इसके अलावा ना आप इंटू कर सकते हो, ये जो ऑपरेशन से नीचे के कोई भी ऑपरेशन अलाउड नहीं है पॉइंटर्स के साथ, पॉइंटर्स के साथ आप इस तरह के कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवा सकते। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहां पर आप देखिए, ये माइनस वाला मैंने जो आपको यहां पर बताया था, ये माइनस वाला यहां पर प्रोग्राम बनाया हुआ है कि मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर मैंने एलिमेंट डलवा रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें डला हुआ है। P1 और P2 पॉइंटर, P1 पॉइंटर, 2 लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया कि जो सेकंड इंडेक्स पोजीशन है, सेकंड इंडेक्स पोजीशन यानी कि ये वाली, इस इंडेक्स पोजीशन का एड्रेस तो मैंने किसको दे दिया, P1 को दे दिया। ठीक है, और जो 8th इंडेक्स पोजीशन है, इस 8th इंडेक्स पोजीशन का भी एड्रेस मैंने किसको दे दिया, P2 को दे दिया। अब अगर P2 माइनस P1 करूंगा तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा मेरे पास 6, क्योंकि 8 में से अगर मैं 2 माइनस करता हूं तो मेरे पास कितना आता है, मेरे पास 6 ही तो आएगा। तो मैं निकाल सकता हूं कि टोटल एलिमेंट मेरे पास कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, देखिए यहां पर ये मेरा 0 पोजीशन है, ठीक है, और ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ठीक है, 1, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो अब देखिए, अब मुझे 2 से अगर 8 के बीच में लेना है तो ये मेरा सेकंड है, मुझे लेना 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि ये मेरा 8th नंबर की लोकेशन ये है मेरी और सेकंड नंबर की लोकेशन मेरी ये है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ये मुझे दिखा देगा। ठीक है गाइस, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मुझे दिखा देगा। अब हम देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर, क्या हम बिटवाइज ऑपरेटर परफॉर्म करवा सकते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, वी कांट परफॉर्म बिटवाइज ऑपरेशंस बिटवीन टू पॉइंटर्स, हम दो पॉइंटर्स के अंदर किसी भी तरीके का बिटवाइज ऑपरेटर हम लोग काम में नहीं ले सकते हैं, और कोई तुक भी नहीं है लेने का, कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, रिलेशनल ऑपरेटर्स के आप काम में ले सकते हैं, वी कैन यूज रिलेशनल ऑपरेटर्स, वी कैन यूज रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल ऑपरेशंस, जैसे टर्नरी ऑपरेटर, हम टर्नरी ऑपरेटर काम में ले सकते हैं। ठीक है, हम टर्नरी ऑपरेटर काम में ले सकते हैं बिटवीन टू पॉइंटर्स, लाइक हम लोग लेस देन
लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, और ये जो हमारा ये लास्ट वाला, ये तो हमारा टर्नरी ऑपरेटर का सिंबल है ही, ठीक है। ये हम लोग सारी चीज़ें हम लोग काम में ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो है जैसे पी वन इज ग्रेटर देन पी टू, इसको पी टू कर दीजिए, है ना, पी टू, ये हम चेक कर सकते हैं, तो ट्रू और फॉल्स हमको निकाल के दे देगा, ठीक है, ट्रू और फॉल्स हमको निकाल के दे देगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर की, साइज ऑफ ऑपरेटर ऑपरेटर की हम लोग बात करते हैं, तो हम किसी भी पॉइंटर का जो साइज़ है वो निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड साइज ऑफ ए पॉइंटर यूजिंग साइज ऑफ ऑपरेटर। अगर इंटीजर टाइप का हो तो 2 बाइट दिखाएगा, अगर कैरेक्टर टाइप का है तो भी 2 बाइट दिखाएगा, अगर फ्लोट टाइप का है तो भी 2 बाइट दिखाएगा, डबल टाइप का है तो भी 2 बाइट दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि किसी भी टाइप का पॉइंटर आप ले लो, पॉइंटर की साइज तो 2 बाइट ही होती है, ठीक है। किसी भी साइज का पॉइंटर ले लो, पॉइंटर की साइज तो 2 बाइट ही होती है, तो ये हर कंडीशन में क्या करेगा, 2 बाइट ही निकाल के देगा, ठीक है गाइज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोज को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।